हरे कृष्णा। समुद्र पे एक जहाज अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस पे एक सज्जन सवार थे, बाकी अन्य तो डूब गए लेकिन ये सज्जन बच निकले। एक टापू पे आए और वहाँ उन्होंने अपना नया जीवन आरंभ किया। मन में निरंतर विचार करते थे कि कब कोई दूसरा जहाज आकर मुझे यहाँ से बचा ले। लेकिन उस दिन तक उनको वहाँ पर प्रतीक्षा करनी थी। बहुत प्रयास करके उन्होंने अपना छोटा सा एक कुटिया तैयार किया। उसमें जो कुछ भी व्यवस्था थी उन्होंने यथाशक्ति यथासंभव की। एक दिन उसी टापू पे किसी अन्य स्थान पर गए, कुछ फल फूल कंदमूल इत्यादि बटोरने लौट के आए, अवाक रह गए क्योंकि किसी कारणवश उनके संपूर्ण कुटिया में आग लगी थी। आग की लपटें ऊपर तक चल रही थी और धुआं चारों दिशाओं में फैला था। उस दृश्य को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। सोचने लगे, अरे दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में आकर कितने प्रयास से मैंने अपना ये जीवन आरंभ किया, वो भी अग्नि के द्वारा भ्रष्ट हो गया। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि एक दूसरी जहाज वहां पर आई और जहाज के कप्तान ने उनको जहाज पे ले लिया। जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो दिन आन पड़ी। कप्तान से उन्होंने प्रश्न किया कि आप यहाँ पर ऐसे वीरान टापू पे आ कैसे गए। उन्होंने कहा, दूर से हमने देखा कि कोई आग की लपटें ऊपर आसमान की ओर जा रही हैं, चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। उसको देखकर हमको कुछ आशंका हुई कि हो सकता है कोई व्यक्ति हमको संकेत कर रहा हो, उसे संकेत मानकर हम लोग यहाँ पर आ गए। सज्जन समझ गए कि कई बार बाह्य दृष्टिकोण से हमें लगता है कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन वास्तव में ये दुर्भाग्य सौभाग्य का संकेत बनता है। और इस बात को समझना हो तो भागवत में वर्णन आया है, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकाः कथम मन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा परम। हम सभी काल कर्म और गुण के अधीन सर्पग्रस्त हैं और जब तक सर्वशक्तिशाली भगवान की शक्ति को नहीं समझेंगे और उनके नियमों के अनुसार कार्यशील नहीं होंगे, तब तक हम इस भौतिक जगत रूपी टापू में बने रहेंगे, अटके पड़े रहेंगे। आइए आज हम सब ये संकल्प करें कि यथाशक्ति हम भगवान का चिंतन करें और अपने जीवन को परिवर्तनशील बनाएं, वास्तविक सौभाग्य का अर्थ समझें जिससे कि हम अपने हृदय के भीतर श्रद्धा का विकास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।